Hello everyone, today we will continue with the next part of the chapter that we were discussing in the previous lecture money and credit. So, in the previous lecture we had uh, studied till the role uh, of central bank and its functions. Now, today we will start from the commercial banks. Now, these commercial banks are the ones with which we as public are dealing with. हम जिन बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं या हम जिन बैंक्स को अप्रोच कर रहे हैं जो पब्लिक डीलिंग करते हैं हम उन सभी बैंक्स को एक ग्रुप में क्लब कर देते हैं एंड दीज आर नोन एज कमर्शियल बैंक्स ठीक है ये जो बैंक्स हैं यही आपसे बेसिकली मनी एक्सेप्ट कर रहे हैं एज डिपॉजिट और यही वो बैंक्स हैं जो कि आपको लोन के फॉर्म में पैसा उधार भी दे रहे हैं all the features are the same. we directly come to the main features of commercial banks. that it is dealing with money. it accepts deposit and advances loans. it is also dealing with credit. it has the power to create credit. commercial institution, hai ye which is aiming to earn profit. unique financial institution, which is creating demand. and it is dealing with general public, which makes it a commercial. बैंक बैंक की लोनिंग एक्टिविटीज़ पर अगर हम आए तो वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले ही बट वील जस्ट हैव अ क्विक ग्लैंस अगर बैंक की लोनिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर हम आए तो बैंक स्मॉल प्रपोर्शन अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट सो बैंक इज कीपिंग प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज़ कैश विद डेमजेल्व फॉर एग्जाम्पल they hold about 15% of their deposit as cash this is kept as a provision to pay the depositor who might come any time to withdraw the money from the bank on any any specific day so it is using the money of the depositors and giving it in the form of advancing loans deposits to extend bank will use मेजर प्रपोर्शन ऑफ देर deposit टू एक्सटेंड लोन दे मेक यूज ऑफ the deposits टू मीट the लोन रिक्वायरमेंट ऑफ the पीपल ठीक है ये तो मीडिएटर का पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं डेप ट्रैप एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट की प्रॉब्लम है फॉर सम पीपल कैसे Uh, हमने सपोज़िटली कि लोन लिया वी आर नॉट एबल टू फुलफिल और रीपे दैट लोन बैक ठीक है तो क्या होगा कि हमने लोन तो कुछ कंडीशन सुधारने के लिए लिया था या हमने कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उधार लिया था बट इन क्या होता है सिचुएशन रिवर्स हो जाती है दैट यू आर सिंस अनएबल टू पे योर फर्स्ट लोन सो यू आर कॉट इन अ डेप ट्रैप आप उधारी के एक ट्रैप में फंस चुके हो ये उन जगहों पर सबसे ज़्यादा होता है डेप ट्रैप जहाँ पर इनफॉर्मल सोर्सेज जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए रिलेटिव्स हो गए मनी लेंडर्स हो गए लैंड uh, ओनर्स हो गए ज़मींदार हो गए अगर तुम इनके पास पैसा उधार लेने के लिए जाते हो तो ये तो तुम्हें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार देंगे बैंक से हम उनकी इंटरेस्ट रेट को कंपेयर नहीं कर सकते दूसरा कि जब वो आपको ये सिचुएशन दे रहे हैं दैट यू कैन रीपेट इन इन न्यूमरेबल नंबर ऑफ इयर्स ठीक है तो कई बार तो वो डेब्ट ट्रैप जनरेशन टू जनरेशन भी शिफ्ट हो जाता है कि उधार तो दादाजी ने लिया था बट द डेप ट्रैप इज बीन फुलफिल्ड बाय द फादर और द सन राइट सो दिस सिचुएशन दिस टाइप ऑफ क्रेडिट मेक्स यू फसल इन द डेप्ड ट्रैप आप एक जाल में फंस जाते हो उधारी के जाल में राइट सो दिस इज क्रेडिट इन दिस केस ऐसे टाइम पर उधारी ऐसे मौके पर उधारी विल पुश यू टू द पुश इज द बोरोवर इन टू अ सिचुएशन फ्रॉम विच द रिकवरी इज वेरी वेरी पेनफुल ऑफन कई बार ऐसा भी होता है कि एक कर्ज़े को चुकाने के लिए पर्सन अवेल्स अनादर लोन टू फुलफिल दैट राइट, सो दिस कंडीशन इज नोन एज डेप ट्रैप ठीक आगे बढ़ते हैं तो क्रेडिट का क्या रोल है डेवलपमेंट में क्रेडिट का क्या रोल है डेवलपमेंट में तो डेफिनेटली कंट्री के डेवलपमेंट में इट इज़ क्रिएटिंग बेटर फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ये तो पता है हमको अर्निंग एंड सपोर्ट देअर फैमिली ये कई लोगों को जिनको लोन से बेनिफिट हो रहा है तो दे आर वेंचरिंग इन टू सम अदर काइंड ऑफ बिजनेस और आईदर प्रॉफिटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर दे आर अर्निंग एंड सेटिंग अप बिजनेसिस इंक्रीजिंग देअर इनकम टू सपोर्ट फैमिलीज इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज हैं दैट दे आर हेल्पिंग पीपल कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस एंड गेटिंग रिड ऑफ मंथली रेंट सोशल स्टेटस लोन और क्रेडिट हेल्प अ लॉट इन रेजिंग द सोशल स्टेटस बाय एनेबलिंग देम टू बाय कार आप कार के लिए लोन ले सकते हो स्कूटर्स टेलीविजन इट डिपेंड्स अब जब आप किसी से उधार लेने के लिए जाओगे स्पेशली फ्रॉम बैंक तो बैंक कुछ चीज़ों पर ध्यान देती है जैसे इंटरेस्ट रेट हर लोन पर डिफरेंट होगा कार लोन पर अलग है हाउसिंग लोन पर अलग है पर्सनल लोन पर अलग है एवरी लोन हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट वो डिसाइडेड है दूसरा बैंक आपसे कुछ ना कुछ चीज़ सिक्योरिटी के फॉर्म में रखवाएगी दस लाख का है तो दस लाख बराबर आपको कोई चीज़ मोटिवेज करनी पड़ेगी गिरवी रखनी पड़ेगी आपको तब दस लाख का लोन दिया जाएगा सिक्योरिटी रीजनस है कभी हम भाग जाएँ नहीं पे करें तो बैंक थोड़ी दस लाख का लोन का लॉस बेयर करेगी राइट तो वो अपने पास कुछ भी चीज़ सिक्योरिटी के फॉर्म में रखवाती वो अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या है तो उसको हम बोलते हैं कोलैटरल उसको बोला जाता है को बैंक साथ के साथ पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाती है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने पड़ेंगे ठीक ये सब जो रिक्वायरमेंट्स है आपका मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा आपके बैंक के खाते से कटना चाहिए आप इस फिक्स डेट पर आओगे आपका मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है ऑल दीज टूगेदर वन टू थ्री फोर ये चार चीजें मिलाकर कंप्राइज करती हैं जिसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट इट कैन वेरी सब्सटैंशली फ्रॉम वन क्रेडिट अग्रीमेंट टू अनादर ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लेंडर पर भी हो सकते हो बॉरोवर अब कोलैटरल को हम इंडिविजुअली डिफाइन करें कि हम क्या क्या चीजें गिरवी रख सकते हैं तो कोलेट्रल इज बेसिकली एन असेट दैट आई एम ओनिंग राइट नाउ द बोरो ओन्स राइट नाउ। जैसे कि लैंड हो गया बिल्डिंग व्हीकल लाइफ स्टॉक डिपॉजिट विद बैंक एट समाइम्स इट कैन बी गोल्ड ठीक है एंड यू एंड द बोरो इज यूजिंग दिस एज एन गारंटी टू द लैंड अनटिल द लोन इज रीपेड बैंक उसको अश्योरेंस के फॉर्म में मानती है कि अगर तुम रीपे नहीं कर पाए तो हम ये चीज़ को सेल करके और अपना पैसा पूरा निकाल लेंगे इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे ठीक है द लेंडर हैज अ राइट टू सेल द असेट और कोलैटरल टू ऑपटेन द पेमेंट प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स डिपॉजिट विद बैंक लाइफ स्टॉक ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो कि कोलैटरल के यूज कर जाते हैं अगेन एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ठीक है नाउ देर आर सर्टन रीजन्स वेयर द बैंक्स माइड नॉट बी विलिंग टू लैंड टू सर्टन बोरोस अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तब भी आपको नहीं लोन दिया जाएगा ठीक है सर्टिफिकेट कई लोग अपने इनकम का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो इसी लिए बैंक उस कंडीशन में भी लोन नहीं देगी को लेटरल की अगर कमी है अगर कोलेट्रल आपका इनकम Uh, या फिर आपका अमाउंट को सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहा उस कंडीशन में भी आपको लोन नहीं दिया जाएगा विटनेस अदर कंडीशंस में देर आर फ्यू अदर्स हु फेल टू प्रोड्यूस टू पर्सनस हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी केस ही इज़ अनेबल टू रीपे द लोन विटनेस की भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है तो कई लोग फ्रॉड इतना ज़्यादा कर चुके होते हैं कि नो नन ऑफ द पीपल इज विलिंग टू स्टैंड फॉर देम एज एन विटनेस ठीक है तो ये भी एक सिचुएशन है अब हमारे पास ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है इस पाई चार्ट में सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बताए हुए हैं पर थाउजेंड रूरल हाउस होल्ड के इन इंडिया दिस सर्वे वॉज कंडक्टेड इन 2012 अगर इस पाई चार्ट से हम चलें तो गवर्नमेंट सेक्टर से लोन लेने वाले लोगों की संख्या है वन परसेंट हम रूरल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं ठीक है उसके बाद आपके पास है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जिनसे आठ परसेंट लोग लोन लेते हैं गाँव में मनी लेंडर्स थर्टी थ्री परसेंट ठीक है कमर्शियल बैंक्स ट्वेंटी फाइव परसेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक पच्चीस परसेंट अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी टू परसेंट अगर हम कमर्शियल बैंक्स को हटा दें और गवर्नमेंट को भी हटा दो लैंड भी है यहाँ पर वन परसेंट अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं फाइव परसेंट ठीक अगर हम कमर्शियल बैंक्स का शेयर हटा दें और गवर्नमेंट का शेयर हटा दें छब्बीस परसेंट का शेयर हटा दें तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि रूरल एरियाज़ में जो लोगों की बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो जनरली किन के ऊपर डिपेंडेंट है मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंट है एंड अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट है राइट दिस शोज दैट द पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज आर डिपेंडेंट फॉर देयर लोनिंग एक्टिविटीज ऑन नॉन कमर्शियल इंस्टीट्यूशन प्योरली देर आर रेयरली फ्यू पीपल हु वुड अग्री दैट वी शुड गो टू द बैंक देर आर सर्टन रीजन नो डाउट हम पढ़ेंगे आगे कि लोग क्यों नहीं जाते या क्यों जा नहीं पाते दोनों चीजें हैं बट द रिलायंस और द डिपेंडेंसी स्टिल इज हायर अमंग्स दीज पीपल राइट आगे बढ़ते हैं वी नाउ हैव सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया सो वी हैव टू सेक्टर्स फ्रॉम विच वी कैन अवेल लोन्स फॉर्मल और इनफॉर्मल तो फॉर्मल में तो हमारे पास आगे बैंक्स कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इनफॉर्मल में आगे बाकी सब फ्रेंड्स रिलेटिव्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा मनी लेंडर्स ये सब लोग इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट हैं दिस ग्राफ टू हैज टू कलर्स ब्लू और पर्पल दो कलर में ये मार्ग आपके पास ब्लू कलर है परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल

वो फॉर्मल सेक्टर में जिनके पास थोड़े बहुत असेट्स हैं उनमें ये रेशियो 53 और 47 का है वेल ऑफ में 72 और 28 परसेंट का है और रिच में 90 और 10 परसेंट का है दिस इज़ अ क्लियर डिफरेंस तो फॉर्मल सेक्टर जो हैं दीज आर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी लो फर्स्ट कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी ये मेन सोर्सेज हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के अब अपन आते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स पर तो हमारे पास इनफॉर्मल सोर्सेज किसी किसी भी गवर्नमेंट सुपरविजन में काम नहीं करते कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है हो सकता है दो अलग अलग लोन अलग अलग लोग अगर पैसे मांगने के लिए जाएं तो एक को दस पे दे दिया एक को बारह पंद्रह पे दे दिया कोई फिक्स नहीं है ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू बैंक समटाइम्स इवन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट इंटरेस्ट रिलेटिव मनी लेंडर लैंड ये मेन सोर्सेज हैं ठीक अब हम आर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं आर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है जिसका एम्बलम एक टाइगर है एंड एंड कोकोनट ट्री शोन ओवर हियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन रोल है दैट इज इट इज़ फर्स्ट सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन बैंक एक मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास रिजर्व रखती हैं आर बी आई करता है उन सब बैंक को दैट एक्चुअली दे आर मेंटेन्ड ऐसा नहीं है सिर्फ बोलने के लिए बट उनका कैश बैलेंस मेंटेन्ड है या नहीं है आर बी आई इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर कि बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसिस और ट्रेडर्स को लोन ना दे बल्कि स्मॉल कल्टिवेटर्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल बोरोवर्स को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें पीरियोडिकली बैंक को सबमिट करनी पड़ती है कि आर बी आई को कि कितना उन्होंने लेंडिंग करी है टू होम एंड एट वॉट इंटरेस्ट रेट सुपरविजन ऑफ आर बी आई नेसेसरी है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजनस फर्स्ट है सेफ डिपॉजिट पीपल का जो भी पैसा बैंक में सेफ रखा जाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रखा जाता है उसके लिए ये ज़रूरी है मिनिमम कैश बैलेंस है कि इट इज़ गिविंग पावर टू द आर बी आई टू फोर्स द बैंक्स टू मेनटेन दैट मिनिमम कैश बैलेंस सुपरविजन करना The honest and real needy people who are having the capacity to repay the loan along with interest on time. Checking policy RBI checks that all formal credit agencies are following the economic policy or guidelines laid by the government of the country. Okay.

कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू बेसिकली दे आर पूलिंग इन देयर ओन मनी इट कैन वेरी द अमाउंट कैन वेरी फ्रॉम ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड रुपीज ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सौ ही रुपए दे और हर कोई पच्चीस ही दे इट कैन वेरी फ्रॉम दिस अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ द पीपल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप ठीक है ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इट इज बेसिकली हेल्पिंग पीपल इन प्रोवाइडिंग लोन इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस कि जब बैंक्स के पास अप्रोच नहीं कर सकते उस कंडीशन में अगर लोन चाहिए तो ये लोग कहाँ जाएंगे तो मनी लेंडर या उनसे लोन लेने से बेटर है दैट दे अवेल लोन फ्रॉम दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो द सेल्फ हेल्प ग्रुप इज प्रोवाइडिंग लोन टू द मेम्बर्स एट वेरी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट बहुत रिजनेबल इंटरेस्ट रेट पर ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं अगर इनकी लैंडिंग एक्टिविटीज़ रेगुलर रहती है तो एक या दो साल में और इनकी सेविंग्स रेगुलर हैं तो एक या दो साल में दिस ग्रुप बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग द बैंक लोन ठीक है लोन जो सेंक्शन किया जाता है वो ग्रुप के नाम पर सेंक्शन किया जाता है किसी इंडिविजुअल के नाम पर नहीं

हाउस होल्ड्स राइट जो हाउस होल्ड्स के कोर्स वो लोग करते हैं रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स हैव प्रोवाइडेड लोन टू दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर रिलीजिंग द मोटेज लैंड फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल नीड्स फॉर हाउसिंग मटीरियल एंड फॉर एक्वायरिंग असेट्स लाइक सीविंग मशीन हैंडलूम केटल एट्सट्रा बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर रहे हैं That is, it is the group which decides regarding the loan to be granted, interest to be charged, or schedule. In case of non-payment by any member, it is followed up very seriously by other members of the group. Because of this feature, the commercial banks never hesitate in providing loan to these groups. The last important feature of this group is that they are being organized by women these are helping women to become financially self reliant the regular meeting of the group provide platform to discuss on variety of issues such as health dowry domestic violence child marriage etc right so with this we complete our chapter one of the examples is gramin bank Iskapko Grameen bank ka wo, uh, ncrt mein milega ये ग्रामीण बैंक जो है ये बांग्लादेश को एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि फाउंडेड है बाय प्रोफेसर युनुस खान और ये ग्रामीण बैंक इतना रेगुलर रहा है अपनी सेविंग में दैट इट हैज नाउ बिकम वन ऑफ द लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन विच इज लेंडिंग मनी टू पीपल राइट सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्रामीण बैंक इज गिवन इन योर एनसीआर टी सो विद्प्लीट द चैप्टर And we will discuss the question answers in the next lecture. Thank you, everyone.